सर स्क्रीन दिख रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, सैटरडे का दिन, जिस दिन हम एक सेशन रखते हैं, वीकली सेशन, और बहुत दिनों से एक बहुत प्रतीक्षित सेशन जो कि किसी वजह से पहले टल गया था, जो कि पहले ही होना था। कुछ ना कुछ कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से उनका सेशन हमें आगे शिफ्ट करना पड़ा था। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिसेज रश्मिका राठी जी, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और आज एक अपने शानदार टॉपिक के साथ वो हमारे साथ इस सेशन में उपस्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वो जो टॉपिक है वो सामने आपको दिख भी रहा है, रोल ऑफ थ्री क्यूज फॉर सक्सेसफुल जर्नी। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि सक्सेसफुल जर्नी के लिए थ्री क्यूज कौन कौन से हैं और उनके क्या रोल्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रश्मिका राठी जी, जो कि छिंदवाड़ा से जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया, और आज हमारी सुपरस्टार सीरीज में भी वो यहाँ आमंत्रित हैं। तो कुछ मेरे क्वेश्चंस जरूर होंगे, लेकिन इस सेशन के बाद होंगे, और आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि सारी नेपाल की टीम, जो भी मनीषा राठी जी से लेकर के शुरू होकर के आगे तक बहुत सारे लीडर्स हैं, वो सारे के सारे लीडर्स रश्मिका जी की ही देन हैं। तो थैंक यू रश्मिका जी, आपने इतनी सुंदर टीम और इतना अच्छा सपोर्ट सबको दिया जिससे हम नेपाल तक पहुंच सके। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना ये पूरा सेशन करें, फिर हम आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। ओवर टू थैंक रश्मिका जी। थैंक यू सो मच सर। यू। जैसा कि टॉपिक तो सर ने भी बता दिया और सामने स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है, बट इस टॉपिक को शुरू करने के पहले जस्ट अ मिनट सर, मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फुल स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी रश्मिका जी, बोलिए। अच्छा, आपको अनम्यूट करो। ओके ओके ओके, करता हूँ। रश्मिका जी की प्रॉब्लम कि वो म्यूट हो गए थे, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे, और मैंने उन्हें किया है, अभी कर दिया। थैंक यू सर। हाँ, ओके, वंस अगेन हम अपने सेशंस की तरफ चलते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम थैंकफुल हैं ईश्वर के, अपने माता पिता के, और
प्रेस्टीज मैनेजमेंट के, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया जहां से 1, 2, 4, 10, 100,000 नहीं बल्कि करोड़ों लोग, इनफैक्ट जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर आएंगे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे दुनिया में हम जब प्रवेश करते हैं, हमारा जन्म होता है, तब हम अपनी लाइफ को कैसा लाइफ टाइम तक बनाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह वेस्टीज मैनेजमेंट के अंदर जब हमारा हमारा एंट्री होता है, उसके बाद हम अपने जीवन को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां से, हम उस सागर से क्या ले सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल 3 ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। उसके साथ साथ धन्यवाद हमारे मेंटर्स अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, मयंक सर, जिन्होंने समय समय पर पूरा सपोर्ट किया है, हमेशा गाइड किया है कि हम अपनी लाइफ में को वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, अपनी जगह कैसे जिंदगी में बना सकते हैं। तो एवरी टाइम दे ऑल सपोर्ट अस। उसके बाद डेफिनेटली दुनिया में वो बहुत से लोग होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमारे कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे वेस्टीज से हो चाहे वेस्टीज के बाहर हो, हम उन सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उनका भी थैंकफुल है। और हमारी क्रॉस लाइन, इतनी प्यारी क्रॉस लाइन जो बिकॉज ऑफ हमारे मेंटर से हमें मिली है, जिनका मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलता है कि शायद उतना हमें हमारी पड़ोसियों से भी नहीं मिलता, जिनके साथ हम जीवन भर से हैं। उसके साथ साथ डेफिनेटली मेरी टीम, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ जुड़कर, मेरे साथ रहकर मेरी लाइफ में की वैल्यू को बढ़ाया है, हमें मुझे वो स्ट्रेंथ दी है जो शायद कभी मुझमें थी ही नहीं। इनफैक्ट डेफिनेटली जब कुछ सक्सेस लाइफ में आ जाएगी, और मेरे हिसाब से मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट फिर भी लोगों के हिसाब से अभी नहीं, तो मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगी ताकि बहुत से लोग और भी बहुत कुछ जान पाएंगे, क्योंकि अगर हमको हमारी स्टोरी सुनानी है ना तो उसके लिए सक्सेस होना बहुत जरूरी है। बिना सक्सेस हुए आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, ये यहाँ पर जितने भी लोग आए होंगे ज्यादातर तो लोग समझते हैं। हम उन्हें ही सुनना पसंद करते हैं जो लाइफ में कुछ हमें सिखाते हैं, अपने जो भी लाइफ में नेगेटिविटी आया हो, जो भी प्रॉब्लम्स आई हो, उसको जूझ कर जो भी चीजें उन्हें मिली। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल। और आज के सेशन में क्योंकि ये टॉपिक भी कुछ डिफरेंट है, तो डेफिनेटली इसको, इसकी पढ़ाई करने में जो मेरे वर्ड्स होंगे, जो मैंने बहुत एक्सपर्ट लोगों को सुन सुन कर इसको तैयार किया है, और मेरे खुद की भी फीलिंग्स उसमें कहीं ना कहीं वो टच करती थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी चुना। तो डेफिनेटली कुछ भी शब्द अगर ऐसा हो जो किसी ना किसी के लिए हास लगे या फिर उन्हें कुछ भी थोड़ा भी बुरा लगे, तो प्लीज एडवांस में सॉरी टू ऑल ना, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर। तो नेक्स्ट, फाइनली हम अब मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, टॉपिक है हमारा 3 Q's ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, कंप्लीट पर्सनालिटी इक्वल टू कंप्लीट सक्सेस। अगर हमें कंप्लीट सक्सेस चाहिए तो हमारी पर्सनालिटी भी कंप्लीट चाहिए, होनी चाहिए। अगर हम सक्सेस, अगर हमें कंप्लीट मींस हो गया यहाँ पे कि हमारा इमोशनल क्वोशेंट यानी EQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी IQ और स्पिरिचुअल क्वोशेंट यानी SQ, ये 3 क्वोशेंट है, ये 3 स्तर है अलग अलग टाइप के। इसमें से IQ जो है वो आई थिंक सभी यहाँ पर जानते होंगे, क्योंकि बस एक IQ बोला और हमारा दिमाग में क्लिक कर जाता है IQ, अरे इसका तो IQ बड़ा तेज है, या इसका IQ लेवल तो है ही नहीं। तो ये हम सब के लिए एक कॉमन वर्ड है, और ये बहुत ऐसा वर्ड है जो हम, जो कॉमन पर्सन है वो IQ को जानते हैं, बट IQ से ऊपर जो चीजें हैं उसके लिए हमें अपग्रेड होने की जरूरत है, वो हर कोई नहीं जानता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ इन्हीं टाइप के IQ होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैंने फाइनली, जब मैंने भी कुछ समय पहले तक सिर्फ IQ ही जानती थी मैं, फिर धीरे धीरे मुझे EQ के बारे में पता चला, फिर उसको स्टडी किया तो उसको स्टडी करते करते SQ के बारे में पता चला, अब जब इन तीनों की स्टडी की तो पता चला इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट आज क्योंकि टॉपिक मेरा 3 Q's है,
इसलिए आज हम इसी 3 Q's के बारे में बात करेंगे। और जहां तक मैंने जितने भी क्यूज को पढ़ा उसमें जो ये 3 Q है, अगर इस पर भी हम बहुत डेडिकेशन से काम करें, इनको भी हम समझे, फॉलो करें, अपनी लाइफ में उतारे, तो भी हमें अपने, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, कोई किसी भी टाइप का लाइफ हमें जीना है, हम हर जगह सक्सेस हो सकते हैं। 100% सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं होता, पर फिर भी मैक्सिमम चांस है। ये 3 क्वालिटी को अगर हम मैनेज करना जान जाए, उसको हम अपने अंदर ले ले, तो सफलता डेफिनेटली हमारे पास आएगी ही आएगी। अब हमारे सामने अभी एक पिक है, इसको देख के सभी समझ रहे होंगे कि हमारे दिमाग का पिक्चर है। तो यहाँ पे दिमाग जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। हालांकि ऐसे अगर हम देखें, अगर हम उसको उसपे अगर कलर हम नहीं किए होते थे, तो डेफिनेटली ये दोनों जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम जैसा ही दिखेगा, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पर जहां यहाँ जो उसमें टॉपिक्स लिखे है कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ्स, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें हमें, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो ये सारे काम करता है। और जो राइट ब्रेन है उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इंट्यूशन है, आर्ट्स है, क्रिएशन है, फीलिंग है, इमोशंस है, इमेजिनेशन है। ये जिनका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है उनके अंदर ये टाइप की क्वालिटीज डेवलप होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट आई थिंक, ये है हमारा लेफ्ट ब्रेन। व्हाट आई थिंक ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, मीन्स यहां से हमारा जो IQ है, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, वो हमारा, जिनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट हाई है उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। और राइट ब्रेन किनका ज्यादा काम करता है, जिनका EQ लेवल हाई है, मीन्स इमोशनल क्वोशेंट जिनका हाई है उनका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो IQ मीन्स व्हाट आई थिंक, बट EQ मीन्स व्हाट आई फील। तो जो IQ है, जो थिंक है, वो हम दिमाग से करते हैं, और जो फीलिंग है वो हमारे हर्ट से आती है, डेफिनेटली जुड़ी भी वो भी माइंड से ही है, बट वो हमारे हार्ट से ही निकल कर आती है। तो ये 2 चीजें अभी हमने देखी। अब अगेन एक पिक्चर हमारे सामने है जिसमें हम वापस से क्लियर हो रहा है कि जो लेफ्ट ब्रेन है वहां पे किस टाइप के काम होते हैं। जो लॉजिकल काम होते हैं वो सारे लेफ्ट ब्रेन से होते हैं, और जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं, जो भावनात्मक काम होते हैं, वो सारे हमारा जो है वो लेफ्ट राइट ब्रेन हमारा वो काम करता है। अब ये 2 ब्रेन को तो हमने समझा, तो इसका मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि किसी का पूरा ब्रेन काम नहीं करता होगा, या फिर एक ब्रेन काम कर रहा है तो एक ब्रेन काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। किसी का राइट ब्रेन हाई है, किसी का लेफ्ट ब्रेन हाई है, पर अगर ये दोनों ब्रेन किसी का एक साथ काम करने लग जाता है तो वहां पे हमारा जो SQ लेवल है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है, वो बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारा होल ब्रेन वर्किंग करने लग जाए तो वो हम उस समय स्पिरिचुअल पोजिशन पे आ जाते हैं, तब हमारा IQ भी होगा, EQ भी होगा और SQ भी होगा, तीनों का समावेश हो जाएगा। अब फाइनली हम एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अब आप सबके सामने में ना 3 पिक्चर्स आने वाली है। सर आप अभी चाहे तो चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अभी आप सभी के सामने 3 पिक्चर्स आएगी, उस पिक्चर से आपको बताना है कि क्या है, फाइनली इसका मतलब क्या है वो बताना है, बट इसका आंसर मेरे टीम के मेंबर्स नहीं देंगे, चैट बॉक्स में टीम के मेंबर्स का आंसर नहीं देंगे। ओके, तो चलिए एक छोटी सी कोशिश थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाने की और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को परखने की। तो नंबर 1 पिक इज दिस, डार्कनेस टू लाइट। ओके, नंबर 2 ब्राइट फ्यूचर, नंबर थ्री इज ब्रेव वॉरियर। क्या आप कोई भी बता सकता है इस 3 का मतलब क्या है एक्चुअली, और हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, हम में से कोई भी समझ भी सकता है।
एनीवन कैन आंसर ये तीन क्या है? ये किसी का नाम भी हो सकता है, चैट बॉक्स में किसी का आंसर आया? आई थिंक नहीं आया। चलिए मैं इसको खोलती हूं, इस जो पजल है उसको सॉल्व कर देती हूं आपके लिए। हम वापस चल रहे हैं पीछे 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 और पीछे और पीछे। अभी हम यहाँ पे तीन लोगों को देख रहे हैं, ये तीनों कौन है? डार्कनेस टू लाइट, गौतम का मीनिंग है डार्कनेस टू लाइट। ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, दीपक मीन्स ब्राइट फ्यूचर। एंड थर्ड ब्रेव वॉरियर इज कन्वर बीर सिंह का मीनिंग होता है ब्रेव वॉरियर। तो इनमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक मेंबर ऐसा होगा जो इन तीनों को नहीं जानता है या वो हमारे अंदर बसे हुए नहीं है। तो चलिए ये पजल तो सॉल्व हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहीं भी डाउन है, ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको तुरंत समझ में नहीं आती है, पर जब समझ में आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक सबको फीलिंग अच्छी ही आ रही होगी, इट्स माय ओपिनियन ना, ये जो मेरी फीलिंग है। जब मुझे भी ये पता चला था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तीन मीनिंग में एक डार्कनेस टू लाइट की तरफ ले जा रहा है, एक हमारा फ्यूचर बना रहा है, एक हमें ब्रेव बना रहा है। एक्चुअली कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। सिर्फ ये तीन की चुनिंग ही नहीं, इन तीनों के जो नाम है उसके भी मीनिंग कितने पावरफुल है। तो ये सारी चीजें, आईक्यू का तो यहाँ पे डेफिनेटली रोल है ही, पर ईक्यू का भी बहुत बड़ा रोल है। तो फिलहाल तो हम वापस आगे चलते हैं। नॉर्मली हम क्या मानते हैं सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब मानते हैं इंटेलिजेंस। हमारा यही सोचना है कि अगर हम हमारा आईक्यू लेवल हाई है तो हम लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारा आईक्यू लेवल हाई है तो हम सक्सेस हो ही जाएंगे। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे हम सिर्फ मशीनी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां पे हमारा सिर्फ इंटेलिजेंस ही वर्क करेगा। तो आईक्यू लेवल होना अच्छी बात है, पर सिर्फ आईक्यू लेवल पे हम कुछ हद तक सक्सेस हो सकते हैं, पर लाइफ में अगर हमें आगे तक सक्सेस होना है तो आईक्यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में होनी जरूरी है। डेफिनेटली आईक्यू का पार्ट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आईक्यू का एक्चुअल मीनिंग होती है हमारे सोचने समझने की क्षमता और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हम जो चीजें सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं हम। और नॉर्मली जो इस पर, इस लेवल पे जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो टॉप पर होते हैं। हमने स्कूल में भी सुना होगा ना, इसका तो आईक्यू लेवल बहुत हाई है, ऐसा सुनते ही है। कुछ आईक्यू को कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं कि किसी का आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू लेवल निकालने के लिए मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसका एक फॉर्मूला होता है। तो फिजिकल एज जो हमारा एक्चुअल एज है, दैट इज फिजिकल एज। मेंटल एज की इस एज में हमारा जो दिमाग है वो किस एज के हिसाब से काम कर रहा है। कई 10 साल 12 साल के बच्चे होते हैं पर वो 9th-10th के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कई बच्चे बड़े भी होते हैं फिर भी वो छोटे की भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मेंटल एज फिजिकल एज डिवाइडेड बाय 100, इस फॉर्मूला को हम पुट करके, जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फिजिकल एज है 20 और मेंटल एज है 25, तो आईक्यू लेवल जो है वो निकल कर आएगा 125। तो 120 से लेकर 130 के बीच जिसका आईक्यू लेवल आता है वो एक श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ आईक्यू लेवल होता है उनका। और जो एक एवरेज होता है वो 90 से लेकर 109 के बीच में जिसका आता है वो एवरेज माइंडसेट माना जाता है। बट 130 से प्लस जिसका है वो अति श्रेष्ठ उसका माइंडसेट होता है, अति श्रेष्ठ है। इसका एक्चुअली मेरे पास टेबल है पर मैंने उसको इस पे शेयर नहीं किया है कि कौन से लेवल पे किस लेवल के लोग अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ किस में आते हैं और उसमें जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट लोग उस कैटेगरी में आते हैं। लाइक 130 से प्लस जिसका आईक्यू लेवल है
वो जो पॉपुलेशन हमारे होल पॉपुलेशन का 2.2 जनसंख्या ही उसमें आती है, सिर्फ 2.2 आती है जो अति श्रेष्ठ में आती है। उसका एक एग्जाम्पल अभी हमारे सामने भी आएगा। ये दोनों शायद सभी जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंस, इन दोनों का आईक्यू लेवल 160 है। हम सोच सकते हैं कि इनका दिमाग आईक्यू लेवल कितना पावरफुल होगा। मैंने अभी बात की थी 130 से प्लस है, वो अति श्रेष्ठ है, और इनका 160 है आईक्यू लेवल। पर हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं मशीनी युग होती जा रही है। हर चीज, हर तरफ जहां देखो वहां मशीन ही मशीन, नए नए तरह के आविष्कार हो रहे, चीजें आसान हो रही है। आसान तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं जो है वो भूल होती जा रही है, क्योंकि हम सब डिपेंडेंट होते हैं विज्ञान के ऊपर। पर विज्ञान हमें इंटेलिजेंट तो बना सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट बना सकता है लेकिन हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। हमारे पास अब आज के समय में बहुत जगह बहुत सारे काम रोबोट करने लग गए हैं, कंप्यूटर्स हमारा काम कर रहे हैं, गूगल से हमको ढेरों जानकारी मिल रही है, हमारा मोबाइल से वर्किंग है। पर क्या आईक्यू लेवल, रोबोट का आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, उसको जैसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो वैसा काम कर देगा, पर क्या वो आपके इमोशन को समझ पाएगा? डेफिनेटली नो। शायद सभी का आंसर यही होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भगवान का शुक्रिया है, हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां पे सिर्फ इंटेलिजेंस से वर्क नहीं होता है, वहां पे भावनाएं भी काम आती है। हम एक दूसरे को समझते हैं। इस दुनिया में हमारा किससे क्या रिश्ता, इससे मतलब नहीं। अगर हम वेस्टीज में हैं तो हम एक दूसरे के लिए हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जबकि बाहर की दुनिया में जो आज शुरू हो चुका है, वहां कहीं ना कहीं इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज ढेरों जगह हम सुनते ही हैं कि आज इसने सुसाइड कर लिया, ये डिप्रेशन में चले गया, इसका घर ऐसा हो गया, वो घर छोड़कर चला गया। क्योंकि हम इंटेलिजेंस पे तो काम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स भी ऐसे हैं, समाज भी ऐसा है कि इंटेलिजेंस भी तो काम करता है, पर वो इमोशंस को भी उसके साथ में उतना ही डेवलप करे, हमारा फोकस उस पर नहीं रहता है। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा एकेडमिक में कितना अच्छा है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसके मार्क्स ज्यादा होने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम ये नहीं देख रहे हैं कि कल को वो कभी किसी वजह से मार्क्स नहीं ला पाया तो क्या उसको वो फेस कर पाएगा, क्या उसके पास और भी कोई चीज है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको उस हार को मैनेज ही ना कर पाए। तो ये मशीनी युग बहुत से मायने में बहुत अच्छी है, पर बहुत से मायने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आईक्यू होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आईक्यू होना ये हम मानव के लिए तो अच्छा नहीं है। इसके बाद सेकंड, ये है हमारा इमोशनल कोशेंट। सेकंड इज हमारा इमोशनल कोशेंट। ये हमें इंस्पिरेशन, सबसे ज्यादा अगर हमें किसी चीज से इंस्पिरेशन मिलता है, लड़ने की क्षमता हमें आती है, रिस्क कैपेसिटी हमारा बढ़ता है, तो वो होता है हमारा ईक्यू लेवल, इमोशन कोशेंट होता है। आज धरती पर हम अगर पूछे भी किसी से कि सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है, तो शायद आई थिंक सभी का आंसर होगा कि हम इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, आई थिंक। बाकी तो और भी जीव जंतु सभी है, पर हम में सबसे ज्यादा इमोशन होते हैं। पर हम जो भी जिंदगी में करते हैं ना, वो हमारे इमोशन पे ही बेस्ड होता है। आज मदर घर में काम कर रही है, इमोशन पे बेस्ड है। अगर हमारे बड़े कमा रहे हैं, इमोशन पे बेस्ड है। हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए करते हैं। और इमोशंस इतनी पावरफुल चीज है कि इस इमोशन में आकर आदमी कुछ भी कर सकता है किसी के लिए। आज कहीं ना कहीं हम अगर वेस्टीज में अपनी जगह ढूंढ रहे, तो हमारे अंदर एक इमोशन दबी हुई थी कि हमें अपनी पहचान बनानी है, तो इस इमोशन को हमने एक मूर्त रूप यहां से दिया है। तो कहीं ना कहीं इमोशन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारे जीवन में ज्यादातर निर्णय भावनाओं पर ही आधारित होते हैं। वेस्टीज में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना ही हमें सिखाया जाता है,
चाहे वो लोग इस सिस्टम में हो चाहे इस सिस्टम के बाहर हो। पहले माना जाता था कि सफलता के लिए आईक्यू लेवल हाई होना जरूरी है, पर अपने कार्य में सिर्फ दक्ष होना ही काफी नहीं है, EQ यानी भावनात्मक समझ का होना भी जरूरी है। जहां आईक्यू रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल और रैशनल के लिए, वहीं EQ रिस्पॉन्सिबल है इमोशन और फीलिंग के लिए, बिकॉज वी ऑल आर अ इमोशनल क्रिएचर। अगर किसी ने हमसे कहा, अभी एक छोटा सा चीज है, अगर हम आंख बंद करके करके देखना भी चाहे, अगर किसी ने हमसे कहा कि आप आंख बंद करो और सोचो कि एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, एक जगह हम गए, कहीं बहुत खूबसूरत जगह पर गए हैं, वहां पे झरने बह रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, चिड़िया उड़ रही है, बहुत ही सुंदर वहां का वातावरण है, दृश्य इतना मनोरम है कि ऐसा लगे कि हम वहां पे उड़ रहे हैं, हमारे अंदर पंख आ गए हैं और हमने उड़ना शुरू कर दिया है, तो इस समय अगर सारे लोग आंख बंद करके सोचेंगे ना, तो दो टाइप की चीजें हो सकती है। अगर कोई इंसान जिसका सिर्फ आईक्यू लेवल हाई है, तो वो इसमें लॉजिक ढूंढने लगेगा कि भाई ऐसे कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास सच में पंख थोड़ी है, ये तो झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, वो लॉजिक लगाने लग जाएगा, या फिर वो पंख हम सही में लाए, कुछ भी चीज है, वो उसको उस बातों को काट सकता है, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा लॉजिक होता है वो इमोशंस को एंजॉय नहीं कर पाता है। वही जिसका राइट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, जिसके अंदर जिसके आईक्यू लेवल हाई है, वो क्या सोचेगा, आंख बंद करेगा और उन सारी चीजों का भरपूर मजा उठाएगा। वो सोचेगा कि मैं वहां पर हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं हर चीजों को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, मैं सारी चीजों को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो जो इमोशंस वाले लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज के अंदर बहुत खूबसूरती ला सकते हैं, उसको आसानी से इंजॉय कर पाते हैं। तो वही पर अगर इसी इस जगह पर आईक्यू और ईक्यू दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होगा, वो दोनों अगर दोनों माइंड को यूज करेंगे तो कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। सिर्फ आईक्यू वाले लोग लॉजिकल में ही रह जाएंगे, ईक्यू वाले लोग उसका मजा लेंगे, पर जो आईक्यू और ईक्यू दोनों को यूज करेंगे वो क्या करेंगे, उसमें कुछ नया इनोवेशन करके ले आएंगे, ताकि वो कर भी पाए, उनका लॉजिक भी पूरा होता है और उसका मजा भी ले सके, ऐसा हो जाएगा। और अभी एक और एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस के लिए, तो अगर हमारे पास एक फूल है, ठीक है, एक फूल है, मैं वो फूल अगर मैं सुनीता जी को देती हूँ तो वो उसका क्या करेंगी, सुनीता जी आप बताएंगे आप क्या करेंगे उस फूल का, आई थिंक अश्विनी सर नहीं होंगे इधर के, अनम्यूट करते, चलिए ओके, हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे। अगर हमारा हम मैंने किसी को फूल एक दिया, तो अगर उसका राइट ब्रेन काम करता होगा ज्यादा, उसके इमोशंस ईक्यू उसका लेवल हाई होगा, तो वो क्या करेगा, उस फूल को ले जाकर के बहुत प्रेम से लेगा, उसके अंदर उसको फीलिंग्स आएगी, जितना सुंदर फूल है उतना सुंदर उसके अंदर फीलिंग आएगा, उसको ले जाकर या तो वो एक वास में लगा देगा, गुलदस्ते में रख देगा, या ग्लास में पानी भर के उसमें, डेफिनेटली सुनीता जी ऐसा ही कुछ हो सकता है ना, बट वही अगर उसी फूल को किसी लॉजिकल इंसान को दे दिया जाए जिसका आईक्यू बहुत हाई है, उसको दे दिया जाए तो वो फूल को लेगा, उसके एक पत्ते को तोड़ेगा, उसमें देखेगा। रश्मिका जी, हाँ जी, यस, वो फील से, फूल से ना मैं फील करूंगी और अपने अंदर आपका जो इमोशन है, आपका जो प्यार है, आप जो जिस फील से दे रहे हो, मैं उसे फील करूंगी और एंजॉय करूंगी कि ऐसा मोमेंट मेरे पास भी आए और मैं भी लोगों के साथ ऐसा करूं, मतलब मेरी कहानी अलग से बनने लग जाएगी। yes, और yes, यहाँ पे होता ही है right. और उस फूल को हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा देर तक संभाल के रख पाए, जब तक चाहेंगे। वही किसी लॉजिकल इंसान के पास चला जाएगा तो वो उसके एक एक पत्ते को तोड़ेगा, उस पर रिसर्च करेगा कि ये फूल बर्ड से फूल कैसे बना, इसमें पत्तियां कैसे आई, पत्तियों के अंदर कलर कैसे आए, उसका रस कैसे निकलता है, वो सारा रिसर्च तो कर लेगा, लेकिन उस फूल को फूल नहीं रहने देगा। तो ये डिफरेंस है सिर्फ आईक्यू वाले लोगों के साथ में, वो सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन
वो उसके अंदर वो प्यार वो फीलिंग्स नहीं ढूंढ पाएंगे जो एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बिना इमोशन के तो हम कुछ है ही नहीं ना। हम मशीन नहीं है, वी आर नॉट मशीन। हम एक बहुत भगवान की बहुत सुंदर कृति है जिसके अंदर भगवान ने डिफरेंट टाइप के इमोशंस दिए है। यहाँ फ्रंट पे अभी हमारे सामने जो फेस दिख रहा है, डेफिनेटली उसमें जो सबसे सामने जो फेस है वो सबसे प्यारा लग रहा होगा, बाकी सारे फेस में से सबसे प्यारा फेस वही लग रहा होगा। और हम इमोशनली हम इतने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हमारा मूड ठीक भी नहीं होना अगर सामने से या फिर एक छोटा बच्चा हमारे सामने खेल रहा हो तो अगर हंस देगा हम तुरंत हंस देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक वेस्टिजियन का फोन आ जाएगा हम तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इमोशंस को हमारा इमोशनल जो मैनेज करने का जो हमारा स्तर है वो कितना स्ट्रांग है, हम जितना स्ट्रांग उसको बनाएंगे उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसमें जो सबसे हमारे साथ जो कुछ चीजें आती है इमोशंस में, बहुत सारी चीजें आती है जिसमें प्राइड है, एम्पैथी, हैप्पीनेस, होप, पॉजिटिव, ये सारी चीजें आपको सामने दिख ही रही है। इमोशंस के भी पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट भी है, दोनों ही है। अब अगर किसी ने इमोशन को निगेटिव में यूज किया, लाइक हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, एक छोटा सा निगेटिविटी किसी के अंदर आता है और वो पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर जाता है। हम देखते हैं ना कि लाइफ में आज यहाँ इसको मार दिया गया, वो हो गया, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये कर दिया गया, चारों तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। और हमने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि एक निगेटिव थॉट ने कितना बड़ा बड़ा विध्वंस कर दिया। लाइक अगर हम अपने पहले के पुराणों में जाए तो दुर्योधन के साथ सिर्फ एक लाइन, अंधे का बेटा अंधा, सिर्फ एक लाइन उसने पूरा महाभारत खड़ा कर दिया। एक लाइन कैकेयी का कि राम को वनवास दिया जाए, मेरे बेटे को सिंहासन दिया जाए, उसने पूरा पिक्चर बदल दिया। एक थॉट आया सूर्पणखा के अंदर, उसने अपने भाई को बोला, उसने पूरी रामायण करवा दी, सिर्फ एक थॉट। तो जब एक निगेटिव थॉट इतना बड़ा विध्वंस कर सकता है तो क्या एक पॉजिटिव थॉट हमारी जिंदगी बना नहीं सकता? तो ये बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, वहां पे क्या प्लस है क्या माइनस है, ये सारी चीजों को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली सिचुएशन के हिसाब से जो हमारे इमोशंस है वो चेंज होते हैं, बस उसी को कंट्रोल करना आना चाहिए। बस हम इन चीजों के बारे में एग्जाम्पल राम को ले सकते हैं, भगवान राम को ले सकते हैं कि उनके साथ उनके लाइफ में जितना अप्स एंड डाउन आया शायद ही किसी के लाइफ में आया होगा, बट उसके बाद भी उनका हमेशा हमेशा एक जैसा, कभी हमने देखा नहीं हो कि उनके साथ बुरा हुआ हो तो वो विचलित हो गए हो, उनके साथ किसी सिचुएशंस अच्छी नहीं आई तो उन्होंने उसमें कुछ भी तालमेल ना बिठाया हो। ईच एंड एवरी शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा उनका एक तरह का, तभी वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी से इसको प्रूफ किया है। इमोशंस में हमारे साथ जो चीजें हैं, हमको सेल्फ अवेयरनेस होना ज्यादा जरूरी है, हमको खुद को समझना जरूरी है कि हम कैसे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा जो लाइफ का मोटिव है वो क्या है, ये सारे चीजों को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उनको समझे तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको हम स्थिर रखें, जो वीक पॉइंट्स है उस पर हम काम करें। लाइक अभी मुझे पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ है तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वो किसी दिन स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। मेरा कैरेक्टर, क्योंकि हम जिस बिजनेस में है या फिर हम जिस जीवन में है वहां पे कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। सफल होना आसान है लेकिन सफलता को कायम रखने के लिए हमारा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। विदाउट कैरेक्टर हम सफलता को ज्यादा समय तक नहीं टिका पाएंगे। वही साथ साथ हमारा मोटिव क्या है, क्योंकि आज हमारा मोटिव अच्छा है और लगातार हम इस चीजों को लोगों में बांटते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं तो कभी ना कभी उनका हम पर बिलीफ होने लग जाता है। ये ऐसे देखने को छोटे पॉइंट्स है पर इसको फॉलो करना, समझना और उस पर काम करना इतना आसान नहीं है। लोग पूरी जिंदगी बीत जाती है पर इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, हमें क्या छोड़ना है और हमें क्या करना है, बस वो ऐसे ही अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं। बट हम खुशनसीब है कि वेस्टीज ने हमें इन सब चीजों पर
काम करना सिखाया, समझना, हमें हमारी ही गलतियां, हमें हमारी ही कमियां देखना सबसे पहले सिखाया है, कि हमें अपना आत्मविश्लेषण करना है। अब इसमें इमोशंस में सिंपैथी और एम्पैथी, ये दो चीजें आती हैं। तो सिंपैथी तो सभी जानते हैं कि सिंपैथी क्या होता है, जस्ट लाइक कि भाई हमने देख लिया कि ये इस परेशानी से गुजर रही है, हमने बोल दिया अरे नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा बेचारी बहुत परेशान हो रही है, ऐसा कैसे उसके साथ हो गया, दिस इज सिंपैथी, दिखा दिया हमने उसके साथ में दया दिखा दिया। लेकिन एम्पैथी जो एक फिर भी थोड़ा सा नया वर्ड है, एम्पैथी क्या है कि आप उसके बारे में सिर्फ चर्चा नहीं करते हैं, सिंपैथी दया प्रकट नहीं करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं जाकर जितना आपसे बन सकता है, या फिर आप किसी और के थ्रू करा सकते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करते हैं, ना कि उसको उसकी दशा में छोड़ देते हैं और आप पीछे से बस सिंपैथी प्रकट करते रहते हैं। तो ये भी ईक्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी मैं वापस एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं है बोलूंगी, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हम जब तक कुछ चीजों को फेस नहीं करते हैं ना, तब तक हम किसी और के सिचुएशंस को समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके ऊपर जब बीतती है तब जाके उनको दूसरों की समझ में आती है, अदरवाइज उनको समझ में ही नहीं आती है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, और वैसे भी वेस्टीज में स्टोरी के बिना कोई सेशन खत्म नहीं होता है, तो एक स्टोरी तो बनती है। स्टोरी एक राजा थी, राजा जी के पास एक कुत्ता था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मतलब इतना ज्यादा प्यार कि उनकी प्रजा सोचती थी कि काश हम कुत्ता होते, इतना ज्यादा प्यार करते थे वो उससे। एक बार राजा जी को कहीं दूसरे शहर जाना था जिसको नाव से उसको क्रॉस करना था, क्योंकि बीच में नदी थी। जब वो नाव पे जाने के लिए नदी को क्रॉस करने के लिए नाव में सवार हुए तो उनके साथ उनका कुत्ता भी गया, क्योंकि वो कुत्ते के बिना कहीं नहीं जाते थे, हमेशा उसको पास में रखते थे। कुत्ता था, उसके साथ कुछ सैनिक थे और दूसरे भी लोग उस नाव में बैठे हुए थे। अब उसको लेकर बैठ तो गए वहां पर, अब कुत्ता पहली बार नाव में बैठा था, अब वो वहां पे उसे बहुत मजा आ रहा था, तो वो इधर कूदता उधर कूदता बहुत इधर उधर करके परेशान करता। अब लोगों को डर लगता, इनफैक्ट राजा जी भी थोड़े डर रहे थे, उसको रोक रहे थे, क्योंकि थोड़ा भी कुछ होता है तो नाव डगमगाने लगती है। तो बहुत उसको कोशिश की बिठाने की पर वो बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो वैसे भी राजा का सिर चढ़ा था, वो नहीं बैठ रहा था। अब राजा को भी लगा कि कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जान का, इनफैक्ट उनके खुद की भी जान का सवाल था। तो वहां पे एक जो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत एक व्यक्ति थे बैठे हुए, उन्होंने राजा जी से परमिशन मांगी कि क्या मैं ये समस्या को का समाधान कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब जैसे ही उसको पानी में फेंका तो कुत्ते ने नाव को पकड़ लिया और नाव आगे जाते जा रही थी, और वो कुत्ता उसको पकड़े हुए था और बिल्कुल घबराया हुआ था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। जब 2 मिनट उसको छोड़ा, उसके बाद उसको पकड़ के वापस नाव में बिठा दिया। अब वो कुत्ता जाकर बीच चुपचाप जाकर बैठ गया, अब वो बिल्कुल हिलडुल नहीं कर रहा था। तो राजा जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला अभी तक दूसरों की जान पर बनकर आई थी तब तक वो नहीं समझ रहा था, पर अभी उसकी खुद की जान पर बनकर आई ना, तब वो परिस्थितियों को बराबर समझ गया और वो चुपचाप बैठ गया। तो कई बार इमोशंस में ये भी होता है कि हम दूसरों की फीलिंग को समझने के लिए उस परिस्थिति से हमारा गुजरना भी जरूरी होता है, ताकि हम किसी की फीलिंग को समझ पाए। ऐसा वेस्टेज में भी बहुत बार होता है, हम कई बार अपने टीम मेंबर है किसी को भी गुस्से में कुछ बोल दे या उनकी परिस्थितियों को नहीं समझे, बहुत सारी चीजें, ये हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है जिसको हमको इमोशनली उसको समझ के आगे हम चले तो हमारा आपस में ना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। भले ही थोड़ा समय लगता है ये डेवलप करने में, बट ये जो बन जाता है बिलीव ना, वो हमेशा लाइफ टाइम चलता है। तो इसके साथ में एक छोटा सा, मोदी जी ने किसी एक उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ईक्यू और आईक्यू को, एक बार फिर मैं उसको बताना चाहूंगी एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ में। एक छोटा बच्चा जो पालने में खेल रहा है, उसके ऊपर हम सभी जानते हैं कि झुंझुना लगा देते हैं, एक लटकने वाला जो हिला दो तो उसमें से घंटी की आवाज आती रहती है ऐसा।
तो वो उसपे बहुत अच्छे से उसकी माँ ने क्या किया, उसको सुलाया और वो ऐसे हिलाकर चली गई, वो बसता जा रहा था और बच्चा उससे बहुत खुश होकर खेल रहा था। थोड़ी देर में वो फिर रुकता, फिर उसकी माँ आती और उसको हिलाकर चली जाती। फिर बच्चे को समझ में आ गया कि अगर मैं उसको ऐसा मारूंगा तो वो हिलेगा और उसमें से आवाज आएगी, जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो अपने पैर से ही मारने लग गया उसको, उसको पैर से मारता, फिर एंजॉय करता, फिर मारता, फिर एंजॉय, उसने देख लिया। तो ये क्या था, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये इंटेलिजेंस उसने यूज किया अपना और खुद ही वो चीज करने लग गया। अब दूसरा एक स्थिति बनती है जहां पर कि हमें बच्चा बहुत पालने में रो रहा है और उसकी माँ को बहुत काम है, तो माँ ने क्या किया कि एक सीडी चलाया जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, चलाकर छोड़ दिया कि बच्चा चुप हो जाएगा, पर बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, कितनी भी कोशिश कर ली पर वो चुप नहीं हो रहा। फिर उन्होंने टेप रिकॉर्डर को किया बंद, सीडी किया बंद, और आके भले उसकी आवाज अच्छी नहीं है जैसी भी है, वो खुद गाना शुरू कर दिया और वो बच्चा सो गया। तो ये है हमारा इमोशनल कोचिंग। तो इमोशंस हमारे लाइफ में कितना जरूरी है, ये हमें जन्म से, जब हम बोलते नहीं है तब से भी हम इसको फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट। हालांकि इसके बीच में अभी अगर मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया है सर, मेरे साथ थोड़ा सा ही प्रॉब्लम जाएगा टाइम वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं टाइम में बंद कर शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी वैसे भी हमारे नेटवर्क में 10 मिनट का मतलब कुछ और होता है, इसलिए ट्रू नेटवर्कर है और आपका सेशन रियली बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर जी। एक अभी छोटा सा ये है, पजल टाइप है, जो अगर सभी सॉल्व करना चाहेंगे। Everyone is ready? पेपर पेन अगर किसी के पास होना तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्या उसको कोई सॉल्व करके दे सकते हैं? तब तक एक क्वेश्चन, अगर सर आप चैट बॉक्स खोल सकते हैं, खोल दीजिए सर, तो चैट बॉक्स पे आप आंसर अगर कोई भी देगा, ये इसमें मेरे टीम मेंबर्स भी दे सकते हैं, ये सबके लिए ओपन टू एवरीवन। ओके, आप कितनी बार 100 में से 10 को घटा सकते हैं? सर ये प्लीज आप चेक कीजिएगा कि आंसर कौन दे रहा है। हाँ जी, आप कितनी बार 100 में से 10 को घटा सकते हैं? ओनली वंस, 10, 9, वंस, ये सारे आंसर आ रहे हैं। रितिका टेंस, मंजू अग्रवाल टेंस, संदीप अग्रवाल 9, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और रितु मुंद्रा 10, प्रतिभा झा 10, सुनीता सोनी 10। ओके सर, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, जिनका भी आंसर 1 है वो करेक्ट है। अब मैं बहुत से लोग जिन्होंने 10 दिया है आंसर, उन्हें समझना जरूरी है कि कैसे करेक्ट है। 100 एक ही बार होगा, 100 तो एक ही बार होगा ना, मैंने बोला 100 में से करना, उसके बाद तो 90 रहेगा, 80 होगा, 70 होगा जी। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ चीजें थोड़ा फनी वे में, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत सीरियस होकर बिजनेस नहीं कर सकती जी, और ये शायद अश्विनी सर ने भी देखा होगा। एक और क्वेश्चन है, आदमी 10 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? एक आदमी 10 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? IQ टेस्ट चल रहा है अभी। एक आंसर आ गया, वो सही लग रहा है मुझे, कविता सोनी मैम, सोते तो रात में हैं। वाओ, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट सर, सोते तो रात में हैं, 10 दिन बिना सोए तो रही सकते हैं जी, एकदम करेक्ट। अब एक है पेपर पेन पे सॉल्व करने वाला है जी। ओके, एवरीवन रेडी? कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल? Can you draw a triangle with 2 lines? Vedans, battery low.
कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ टू लाइंस? एनीवन कैन शो? किसी ने दिया सर? क्योंकि हम अपन ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे अभी। एक आंसर आया है, अब बताइए आप करेक्ट है कि नहीं है। मंजू अग्रवाल जी, ट्रायंगल के अंदर दो लाइन बनाएंगे। नो नो सर, रॉन्ग। वो तो ट्रायंगल पहले से ही है। आप एक बार दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकती हूँ। हर्षा सोनी जी, हर्षा मोदी जी हाथ से करके बता रहे हैं, पर नहीं। कैन यू ड्रॉ? या कैन यू ड्रॉ? ओके, मैं करके बता रही हूँ सर जी। एक मिनट, कैन यू ड्रॉ अ ट्रैंगल विथ टू लाइन्स? कैन यू ड्रॉ अ ट्रैंगल, दिस इज ट्रैंगल विथ टू लाइन्स? जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। विद क्लियर फॉर एवरीवन? जी सही बात है, मतलब ट्रायंगल दो लाइन से नहीं बनाना है, ट्रायंगल बना के दो लाइन और बना देना है। यस, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद टू लाइंस? जी ओके, तो चलिए हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मुझे भी नहीं आया था, तो ऐसा नहीं है किसी का आईक्यू और इसकी बातें नहीं है, जस्ट फॉर चेंज और कुछ नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें है तो वी कैन डू। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू, ईक्यू से ज्यादा एसक्यू। तो इस लेवल तक आना नॉट इजी, बट जो आ गया वो जिंदगी की किसी भी हाइट को छू सकता है, उसके लिए कोई हाइट मायने ही नहीं रखती है, वो कहीं तक भी जा सकता है। बट डेफिनेटली इतनी बड़ी चीजें तो हर किसी को तो ये चीज फील नहीं होगी, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से, सेशंस के थ्रू अगर जितने भी लोगों में मैं ये चीजें डाल पाए उतना सबके लिए अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा, बाकियों के लिए भी। एक्चुअली ये तीन टॉपिक भी इतने गहरे हैं कि इसको हम एक सेशन में कवर कर ले ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसको जितना पढ़ना शुरू की इसके अंदर उतनी ज्यादा ब्रांचेस निकलती गई फिर तो, और मेरे लिए भी इतना नया था कि मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये कि मेरे लिए चैलेंज ही है। तो एसक्यू मींस क्या है? स्वयं का अध्ययन। हु एम आई, मैं कौन हूं? खुद का अध्ययन करना, नॉर्मली जो हमारी लाइफ होती है वहां पे हम पूरे दिन हम इसी में लगे रहती है, इसने ये किया, उसने ये किया, यहां ये हो गया, वहां भी हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन हम अपना, हमारी कमियों के बारे में हम कभी ध्यान हमारा नहीं जाता है। पर जिसने अगर खुद का अध्ययन कर लिया तो बाहर वाली जो चीजें हैं वो तो वैसे भी गॉन होने लग जाती है, उसका असर हम पे बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने अपने पुराने समय के भी लोगों को देखा है, महाभारत काल को ले लीजिए या जो भी काल है, उस समय इंटरनली लोग इतने स्ट्रांग होते थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते थे कि वो सिर्फ चीजों का आह्वान करते थे, आह्वान करते थे, चाहे वो युद्ध के समय उन्हें हथियार चाहिए हो, चाहे वो कुछ भी चाहिए हो, उनके आह्वान करने से ही उनके समक्ष वो चीजें आ जाया करती थी। तो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इतनी ताकत है, भगवान ने इतनी ताकत दी हुई है कि उसको हम समाहित नहीं कर पाते हैं अंदर। हम कहां तक रह जाते हैं? आईक्यू किताबों तक, ईक्यू इमोशंस तक, पर एसक्यू कहां है? एसक्यू पूरे ब्रह्मांड में, पर हम वहां तक जाने से ही डरते हैं कि वहां तक हम कैसे जाए, बट उसके बिना जाए तो हमारी गति तो नहीं है। ठीक है, हम अच्छी लाइफ जी लेंगे, खुशहाल लाइफ जी लेंगे, लेकिन हम जिस चरम तक जा सकते हैं, एक इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने आप को किसी भी लेवल तक ले जा सकता है।
किसी भी लेवल तक, कोई उसका अंत ही नहीं, पर हम अपने आप को कहां तक रखते हैं, एक लिमिटेशन तक ही रख सकते हैं, पर जबकि इन यूनिवर्स ने हमें सारी चीजें दी है, व्हाई नॉट। तो इसमें एक और आईक्यू जो होता है वो एज के साथ कम होता जाता है, हमने देखा होगा ना, जो फिर जिनका एज बढ़ जाता है उनकी याददाश्त मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, बहुत सारी चीजें उनके साथ रहती है, तो आईक्यू एक एज के साथ कम होता है। ईक्यू जो होता है वो एज के साथ बढ़ता है क्योंकि हमारे अनुभव बढ़ते हैं, इसलिए ईक्यू एज के साथ बढ़ता है। पर एसक्यू का एज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एसक्यू का एज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हमने अपने इसमें भी देखा होगा ना कि ध्रुव बहुत छोटे थे पर उनका आध्यात्मिक कितना हाई था, प्रहलाद, बुद्ध, ऐसे अलग अलग एज के हमारे जीवन में बहुत सारे, इनफैक्ट हमारे इंडिया में तो हम काउंट नहीं कर सकते इतने हैं जो एज कम ज्यादा या किसी भी एज में उन्होंने आध्यात्मिक एक अलग लेवल प्राप्त किया है। इनफैक्ट हम और बहुत सारी चीजें अगर इस पे जाएं तो अध्यात्म से ही, अभी क्या है कि हम बाहरी शक्तियों को ज्यादा बढ़ा रहे, हमारी अंदर की शक्ति कम हो रही है और बाहर की शक्तियां बढ़ती जा रही है। पहले एक समय था जब पुष्पक विमान बनता था, वो हमारी आंतरिक शक्ति से बनता था जिससे इन्वायरमेंट को भी लॉस नहीं होता था, बट आज विमान बनता है जिससे, ठीक है, आसान चीजें तो हो गई है लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान भी तो बहुत सारा है। ठीक है, हम इन चीजों को पकड़ के नहीं चल सकते क्योंकि इसके बिना आज के जीवन में कुछ है नहीं, ये हमारी मजबूरी है, जरूरी है, इसलिए हमें वो करना ही पड़ता है। और एसक्यू के लिए किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं, आईक्यू वाले लोग घमंड आ जाएगा, एसक्यू वाले लोग, ईक्यू वाले जो लोग हैं वो इमोशंस में बहुत ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं आउटिंग जो उनका है, जो हमको आउटर तरीके से जो दिखना है, कैसा दिखना है, सुंदर दिखना है, पहनावा अच्छा, घर में ये सारी एमिनिटीज, हमारे पास सारी सुख सुविधा होनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें होती है, पर जब हम एसक्यू में आ जाते हैं तो हम उतने ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, हमें धीरे धीरे इन सब चीजों की, जो चीजें जरूरी है वो तो चाहिए, बट उसके साथ जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरत नहीं है वो हमारे लाइफ से कट आउट होनी शुरू हो जाती है। जब हमारा वहां से समय बचता है, इसका मतलब है हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे ऊपर वाले के साथ में बनता जा रहा है। तो हम सभी कैसे हैं, हमारा जो जन्म है वो एक बीज की भांति हुआ है धरती पे, एक बीज से हमारा शुरुआत हुआ है। अब उस बीज से हमें, और वेस्टीज में भी हमारा जीवन बीज की भांति शुरू हुआ है, इक्वल है, लाइफ में भी हमारा वैसे ही हुआ है, वेस्टीज में भी वैसे ही हुआ है, वो भी समुद्र है, ब्रह्मांड है, ये भी समुद्र है। अब इस बीज को क्या करना है, हम सभी को ये भी वापस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस बीज को संभाल कर रखना है कि इस बीज को नष्ट कर देना है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इस बीज को संभाल कर रखना या इस बीज को नष्ट कर देना है। सर एनी आंसर? यस, मुनीरा जी हैं, सेफ्टी रखना है, सुनीता पेपलवा संभाल के रखना है, प्रतिभा जा संभाल के रखना है, ज्यादातर लोग संभाल के रखना है, okay, और sir, कविता अग्रवाल बो देना है, और रोहित डांगी संभाल के रखना है, मनीषा राठी संभाल के रखना है, हर्षा मोदी। सर सर अब मैं मेरा आंसर दे देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी, मुझे पता है कि मैं लेट टाइम से आगे जा चुकी हूँ। ओके तो सर ठीक है, आंसर तो सबने अपने हिसाब से दिया है, अच्छा ही दिया है, बट आंसर इज उस बीज को नष्ट करना है। कैसे? अगर वो बीज नष्ट नहीं होगा तो पौधा कैसे बनेगा? उस बीज, वो बीज फूटेगा नहीं तो उसमें से पेड़ कैसे निकलेगा, वो वृक्ष कैसे बनेगा? आई थिंक क्लियर फॉर एवरीवन कि उस बीज को नष्ट करना मीन्स उसको तोड़ना है, उससे हमको उस बीज से बाहर आना है और इस ब्रह्मांड की शक्तियों को लेते हुए अपने आप को एक वृक्ष बनाना है। इनफैक्ट वृक्ष बनाना, यहाँ पे भी एक चीज है कि हमें बड़ा बनना है या असीम बनना है, हमें बड़ा बनना है या असीम बनना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई असीम भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल, पर अगर हम चॉइस करते हैं हमें बड़ा बनना है तो फिर हम अपने आप को एक जगह रोक देते हैं, पर हमारे हिसाब से बड़ा हो सकता है कि मैं 5 लाख कमाऊं, हो गई मैं इसमें ही बड़ी हो गई, बट असीम का मतलब क्या है,
कि अनंत है, आप कितने भी आगे तक जा सकते हैं, पर उस असीम के लिए हमको पहले जीरो होना पड़ेगा। हम तभी असीम बन सकते हैं जब हम अपने आप को एक बार नहीं, हमेशा जीरो की तरह ही अपने आप को लोगों को फील कराए, किसी को ये ऐसा ना लगे कि ये बहुत यूनिक पर्सन है, इनसे हम बात कैसे करें। हम अपने आप को सरल इतना रखें कि कोई भी हमसे कभी भी बात कर ले। हम इतने स्मार्ट ना बने, इतने स्मार्ट तो अच्छी बात है, स्मार्ट होना इज वेरी गुड थिंग, बट ओवर स्मार्ट हम अपने आप को ना, कि हम ये भी कर ले रहे, वो भी कर ले, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। कहीं यहाँ पे अगर हम वेस्टेज के हिसाब से चले तो अगर ये वाली चीजें हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारे टीम मेंबर्स को थोड़ा सा फियर हो जाएगा कि भाई ये चीजें वो तो कर ले रहे, हम कैसे करेंगे, हमारे लिए तो मुश्किल है, या फिर हम नहीं कर पाए। तो हमारा सिंपल सरल बाहरी तौर पे होना बहुत जरूरी है, हमारे शब्दों से, हमारे हर चीज से, विच एवर आई फील, जो मैं फील करती हूँ, कि वो बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कंफर्टेबली आपसे कभी भी बात कर सके, आपको डुप्लीकेट कर सके, उसको लगे कि नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत सहज है, ये वो जो कर रही है वो मैं भी बहुत आसानी से कर सकती हूँ। हमको हर चीज को इतना सिंपली वे में लेकर चलना है। तो अब जैसे स्पिरिचुअल का और अगर मैं थोड़ी सी डिटेल फटाफट में जाऊंगी, अब मैं ज्यादा इसको एक मिनट, ये आगे शेयर नहीं हो रहा है। वेदांश ये शेयर नहीं हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेलिंग, लाइक हम अपने यहाँ स्पिरिचुअल का मतलब किसी भी धर्म से नहीं है। स्पिरिचुअल किसी भी धर्म के लोग के, मतलब ये सिर्फ इंसान के लिए है, इसके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीवन स्पिरिचुअल, हर कोई हो सकता है। स्पिरिचुअल के कुछ साइन है, स्पिरिचुअल जो पर्सन होते हैं दे हैव नो फियर, उनके अंदर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया के लोगों से जुड़े नहीं होते, वो भगवान से जुड़े होते हैं, वो ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं, उसके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं होता है। दे मेडिटेट, वो ध्यान करते हैं अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो इस ब्रह्मांड की शक्तियों को ले सके। दे आर मोर एनर्जेटिकली चार्ज देन अदर, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है दूसरों के मुकाबले। दे ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी डिस्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज, उनके लाइफ में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो वो उसमें से कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं खुद को खुश रखने की। दे आर कंफर्टेबल विथ इग्नोरेंस, उनको कोई इग्नोर करे, कोई रिजेक्ट करे, कोई कुछ भी करे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ध्येय सिर्फ एक है, जो अपने रास्ते पे वो चलते जाते आसपास क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उनका लक्ष्य निर्धारित है। दे फॉलो मोर एक्सेप्टेंस देन कंप्लेंस, वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाले को उनसे कुछ बुरा भी लग रहा है तो वो उसके जगह पर होकर उन चीजों को समझते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं वो अपनी जगह सही है, तो वो कभी उसको कंप्लेन नहीं करते। इनफैक्ट आज कोई कंप्लेन भी कर रहा है तो वो अपने बिहेवियर से एक दिन उस चीजों को बदल देते हैं और वो इंसान उसको समझ पाता है कि मेरी सोच गलत थी उनके बारे में। दे बिलीव इन द यूनिवर्स, गॉड एंड देमसेल्फ, वो खुद में बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, उसके बाद ही किसी और पे बिलीव करते हैं। सबसे पहले ये तीन स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज्यादा है। दे पजेसेस एज इंटेंसिफाइड परसेप्शंस टुवर्ड्स एवरी लिटिल थिंग इन द नेचर, वो नेचर में होने वाले हर छोटी बड़ी चीजें, लाइक आज अगर नदी गंदा हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोग तकलीफ में हैं, गरीबी बढ़ रहा है, हर चीज से उनको फर्क पड़ता है। वो सिर्फ अपने घर, अपने बारे में, अपने घर और अपने समाज, अपने जानने वाले लोगों के लिए काम नहीं करते, उनको दुनिया में हर जगह जो चीजें गलत हो रही है उससे उनको फर्क पड़ता है, उसको वो सुधारने की कोशिश करते हैं। दे आर विलिंग टू लव एंड गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो देना जानते हैं, वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते, रिटर्न में देने के लिए तो भगवान है। जैसा ये लाइन भी है ना, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। दे हैव इनर पीस, उनके अंदर इनर पीस, आंतरिक शांति होती है। दे फील देयर लाइफ एज अ पर्पस, वो समझते हैं कि मेरे जीवन का कोई एक पर्पस है, मैं मेरा अगर जन्म हुआ है तो वो किसी वजह से हुआ है, तो मैं उसको ऐसे ही छोटी मोटी चीजों में उलझ कर उसको खत्म ना करूं। दे बिलीव दैट द सोल इज इटर्नल, वो विश्वास करते हैं कि
आत्मा जो है वही सबसे बड़ी चीज है, वही हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजन इज बेस्ड ऑन फियर, जो धर्म है वो डर से जुड़ा हुआ है, आज के समय में तो ज्यादा, क्योंकि आज हम अगर दुर्गा पूजा करते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम हर साल कर रहे हैं, एक साल अगर नहीं करें तो हमारे मन में फियर, इस साल हमने नहीं किया कुछ जिससे गलत ना हो जाए। हम अपने जो भी चीजें रूटीन में अपने घरों में करते रहते, जो धार्मिक चीजों को मानते हैं, अगर उन्हें नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर हम खुद ही को डरा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो रिलीजन कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है, पर वही जो स्पिरिचुअलिटी है वो होता है फ्रीडम पे बेस्ड होता है, वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है हर चीजों, हमारे अंदर से सारी तरह की फियर को खत्म करता है। अ रिलीजियस पर्सन विल डू व्हाट ही टोल्ड, एक रिलीजियस पर्सन जो वो कहता है वो करता है, नो मैटर व्हाट इज राइट, सही क्या है इस पे नहीं जाता है, जो वो कहता है उसका धर्म जो कहता है वो उसको करता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत से लोगों के बहुत दिमाग में आ सकते हैं, मैं अभी कुछ देना नहीं चाहूंगी। जबकि वेयर एज अ स्पिरिचुअल पर्सन विल डू व्हाट इज राइट नो मैटर व्हाट ही इज टोल्ड, उसने क्या पहले कहा था इस पर वो अड़ा नहीं रहता है, बल्कि सही क्या है वो उसको करता है। तो स्पिरिचुअल और ये बहुत, तीनों जो चीजें हमने आज बात की है, तो ये ट्रैवल है, ये जर्नी है जो हमें कहां लेकर ले जाता है, ट्रैवल फ्रॉम अ वर्कर, लाइक जो आईक्यू में काम करता है वो एक वर्कर की जैसे काम करता है। जैसे वेस्टीज में जब हमारा स्टार्ट होता है तो हम सिर्फ वहां पे अपना इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, एक वर्कर की भांति काम करते हैं, और कई बार वो थक जाते हैं और यहाँ से निकल भी जाते हैं। पर जो उसके बाद सेकेंड जो आता है, ट्रेवल फ्रॉम वर्कर टू अ लीडर, जब वर्कर है तो सिर्फ इंटेलिजेंस, जब वो लीडर बनता है तो तब हमारे अंदर इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों आ जाती है, क्योंकि एक लीडर के लिए इमोशंस को, अपने टीम मेंबर्स की इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक आप अपने टीम मेंबर्स को समझ नहीं पाएंगे, उनसे कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आता है अ लीडर टू अ लेजेंड, अ लीडर टू अ लेजेंड, जहां पे ये तीनों चीज आ जाती है, आईक्यू ईक्यू और एसक्यू, तब हम अपने आप को लेजेंड बनाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेजेंड एक दो तीन सालों में नहीं बनते, कई सालों की मेहनत होती है, पर ये जर्नी बिल्कुल ऐसे ही होती है। पर यहाँ पे अगर हम माने जो नए नए हैं वो अभी लाइक टाइप ऑफ वर्कर के जैसे काम कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहा है हमें। दूसरे लीडर्स हैं, लाइक मैं बोल सकती हूँ लीडर यहाँ पे कौन है अपने पास, अश्विनी सर, सुनीता जी, मायंग सर, ये सारे लीडर्स हैं। अब हम चलेगा लीजेंड की तरफ, तो लीजेंड कौन है हम सभी जानते हैं, गौतम वाली सर, प्लीज दीपक सूद सर, कन्वरबीर सिंह सर, डेफिनेटली दीप गौतम सर, गौतम बाली सर के सर में के दिमाग में अगर कुछ आया था तो उन्होंने सिर्फ अपना अपना परिवार का या अपने आस पड़ोस वाले का सोच करके स्टार्ट नहीं किया था। आज के दिन में जहां हम पड़ोस से नहीं जुड़ते हैं, वो दुनिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक सिटी में काम नहीं कर रहे, एक स्टेट में नहीं कर रहे, एक कंट्री में नहीं कर रहे, आज हम कुछ कंट्री में कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सी कंट्रीज में करेंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल वाले इंसान होते हैं ना, वो ही एक सीमा के बाहर जाकर सोच सकते हैं और वैसी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं बियॉन्ड आईक्यू इज ईक्यू एंड बियॉन्ड ईक्यू इज एसक्यू, बियॉन्ड आईक्यू इज ईक्यू एंड बियॉन्ड आईक्यू ईक्यू इज एसक्यू। आईक्यू का हमारी लाइफ में 20% रोल है, आईक्यू का हमारी लाइफ में 20% रोल है, वहीं ईक्यू और एसक्यू का 80% रोल है। जो अभी तक हम 80% देते हैं जगह आईक्यू को, उसको अगर हम पलट दें तो हम सबकी जिंदगी कुछ और होगी। तो अनुभव, तो एक लाइन और है, अपना ज्योति भव, हमें अपनी ज्योति खुद बनना है, ठीक है। एक लाइन जो मैं लास्ट में जरूर अब बोल के हम अपने सेशन को यही ओवर करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं EQ is greater than IQ and SQ is greater than EQ।
तो हमें एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप दुनिया के हर इंसान के साथ, क्योंकि भगवान के लिए हम सब एक है। ये तो हम अलग अलग धर्मों में हमारा जन्म हुआ, अलग अलग घरों में हम पैदा हुए, इसलिए हम एक दूसरे से अलग हो गए। इनफैक्ट ये तो हम यही जाते हैं ना कि हम सब भगवान के बच्चे, तो वैसे हम एक दूसरे से अलग नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन। दो लाइनें जिसको बोल के फाइनली मैं अपने सेशन को एंड करूंगी। छोटा बनकर देखिए, करिए पावन प्रीत, बिना किसी हथियार के दुनिया लोगे जीत। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी इतनी लेट तक भी। थैंक यू। थैंक्स रश्मिका जी। लीडर्स जो होते हैं उनको सुनते रहते हुए समय का पता नहीं लगता कि उन्होंने कितनी देर बोला। मुझे तो लग रहा है कि अभी 9:10 ही हुए हैं, क्योंकि आपने इतना सब जो बताया उसमें हम इतना अंदर तक चले गए, और एक नए तरीके का सेशन जिसमें आपने हमारा IQ और EQ और SQ के बारे में हम सबको आज एक्चुअल में रियल लर्निंग हमें आज मिली, जो कि शायद मुझे तो बहुत सारी चीज आज से पहले नहीं पता थी, और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी ऐसे जरूर होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आज हमें एक अच्छी लर्निंग मिली। मैं चाहूंगा कि आज के सेशन के बारे में सुनीता जी से हम कुछ राय लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू रश्मिका जी। आपके लिए थैंक यू कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। रियली आज आपने जो सेशन दिया है हमें, ये तो हमें इतना इसके बारे में इतना पता ही नहीं था। जैसे अश्विनी सर ने बोला है कि जो सब सुन रहे थे तो अंदर तक खो गए थे उसमें, कि हमारा IQ EQ क्या चल रहा है, ये सब दिमाग में जैसे कि हम कोई एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई एक आध्यात्मिक जो लेसन सीख रहे हैं। रियल में फैंटास्टिक आपका, मतलब ये सेशन के लिए हम जितना आपके लिए थैंक्स कहे उतना कम है, हमारे पास थैंक्स करने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। रियल में ये बिजनेस फ्रेंड्स जो हमें करना है, ये बिजनेस हमारा जो IQ EQ दोनों प्लस होके SQ बनेगा, तो रियली अमेजिंग हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस सिर्फ हमें, जैसे रश्मिका जी ने बताया कि हम सिर्फ पड़ोसियों के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे जो मैनेजमेंट है आज पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे, तो क्यों ना हम भी उतने ही डाउन टू अर्थ रह के हम हमारी क्वालिटी के हिसाब से, हमारे स्किल्स के हिसाब से, हम भी यहाँ पे अपने से जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके उतना हम सभी को देना है। क्योंकि हमारा भी एक मिशन होना चाहिए कि हम जैसे इस धरती पर आए हैं तो हमारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, कुछ हमें डिफरेंट करने के लिए हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे अंदर जो भी ताकत है आप सभी को दीजिए, उसको बांटिए, ऑटोमेटिकली आपकी जो छवि है पूरी दुनिया में एक अनोखी बन के निखरेगी, और आप एक बहुत इंस्पिरेशन आपको की तरफ से लोगों को मिलेगा, जो आपको एक रोल मॉडल मानेंगे करेंगे। यहाँ पे हम जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे फ्रेंड्स उतनी ही हम ऊंचाइयां चढ़ेंगे, और जितना ज्यादा हमारे मन में कुछ ना कुछ किसी के लिए भी, जैसे रश्मिका जी ने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव हमारी सोच ही हमें लेकर जाती है आगे तक। हमारी जैसी सोच होगी उतनी ही हम आगे हद तक जाएंगे, और वही सोच हमारी इतनी बड़ी होगी तो हम उतने बड़े लेवल तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स वेस्टीज आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक कुछ एक चमत्कार बनकर आया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना पूरा बेस्ट से बेस्ट देना है। थैंक यू रश्मिका जी, थैंक यू अश्विनी सर कि आपने मुझे, रश्मिका जी ने कुछ वर्ड्स बोलने के लिए कहा, तो मैं अपने आप को बहुत एक वो मानती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि ऐसे ट्रेनिंग के लिए मैं कुछ उनके लिए बोल सकूं। तो रश्मिका जी हैट्स ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा सेशन हमें दिया, और आज जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू सुनीता जी। मैं चाहूंगा कि प्रतिभा मेरे बाजू में थोड़ा साइड में है, अभी दिखेंगी, वो कुछ बोलना चाह रही है। रश्मिका जी बहुत ही शानदार सेशन था आपका, और मैं लास्ट का थोड़ा मेरा रह गया किसी रीजन से, लेकिन मैंने आपका EQ IQ ये पूरा सुना बहुत ध्यान से। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा टॉपिक आपने चुना। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक जल्दी से लोग चुनते नहीं है, और उसमें उसको आपने इतने अच्छे से डिफाइन किया,
वेरी गुड, बहुत अच्छा सेशन था आपका, और जो एसक्यू था वो रियली मतलब मैं तो इन तीनों पार्ट को फील करती हूँ, और ये तीनों ही पार्ट मेरे लाइफ में है और कहीं ना कहीं एसक्यू की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो मैं अभी चाहूंगी कि अभी इतनी जल्दी ना जाए, मैं काफी टाइम से थोड़ा सा जूझ भी रही हूँ अपने आप से। तो ये सेशन जो था बहुत ही फैंटास्टिक सेशन था, आप वॉरियर के प्लेटफॉर्म पे सेम सेशन फिर से रखिए, आपका करवाएंगे अगर ऐसा कोई भी वो होता है, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए और वॉरियर का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप ये सेशन अपना दीजिए, बहुत पावरफुल सेशन है। थैंक यू रश्मिका जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप स्पिरिचुअल की तरफ जाइए, बहुत अच्छी चीज है, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत फील करने लग गई हूँ, अपने आप में मुझे इतने चेंजेस मिल रहे हैं अभी। हाँ, पर साथ में दोनों चीज भी रखी है क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा जाने नहीं देंगे लेकिन वी नीड यू, हम सबको जरूरत है आपकी अभी। जरूरत है, आई नो दैट, और बहुत जल्दी मैं अपने उसमें आ जाऊंगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है बीच में, मैं आप सब से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वही चीज है कि काफी चीजें जब फीलिंग्स इंसान के अंदर ज्यादा होती है ना तो वो ऑटोमेटिकली उधर जाने लग जाता है, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगी और फिर से। मैम हमारे पास गौतम बाली सर और इतने अच्छे एनवायरमेंट सब कुछ है, तो एक देना आप सफल ही, ये सफलता नहीं है, आप सफल है ये सफलता नहीं है, आपकी वजह से कितने लोग सफल है ये रियल सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आप सफल तो हो गए पर अभी आपको हम लोगों को भी तो बनाना है ना, इसलिए कम बैक मैम वेरी सून। हाँ श्योर डेफिनेटली, थैंक यू रश्मिका जी, थैंक यू फॉर अ लवली लवली कमेंट्स। थैंक्स प्रतिभा, और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद में प्रतिभा का सेशन जरूर होगा, जो कि उन्होंने मुझे अभी प्रॉमिस किया है कि एक सेशन वो हैदराबाद में जरूर रखेंगे, भले ही छोटा भी रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, कम लोग का ही रखना होगा, तो इसमें मैं प्रतिभा का भी रखने वाला हूँ। तो बस आज का सेशन तो रियली आज आपने जो एसक्यू के बारे में बताया वो बहुत अच्छा था, आईक्यू और ईक्यू तक थोड़ा बहुत मुझे पता था लेकिन एसक्यू आपने रियली बहुत अच्छा बताया, और हम लोग को उस तरफ बढ़ना है, हमने देखा है जिनके अंदर एसक्यू की पावर आती है वो कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, वो अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं वो एक बार जब लेते हैं तो उसे बदलते भी नहीं है, सोच समझ करके लेते हैं और पूरी तरीके से उस पर काम करते हैं। तो रश्मिका जी जैसे कि मैंने बताया था कि आप हमारे इस रॉयल एबीपीबी के सुपरस्टार की तरह भी हमने आपको आमंत्रित किया है, तो लंबा टाइम हो रहा लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कल ज्यादातर लोग जो भी हैं जो काम भी करते हैं कल संडे का दिन है तो थोड़ा सा अगर चलेगा तो 5 मिनट और लगेगा, मैं थोड़ी सी बात रश्मिका जी से कर लूं क्योंकि कुछ चीजें मुझे उनकी पता है लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं पता है और हम सबको अगर पता लगेंगी तो बहुत अच्छा है। तो रश्मिका जी आपकी फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड किस जॉब में हैं और आपके पेरेंट्स के बारे में। सो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं जी, पापा जॉब में हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरे हस्बैंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर है। वेरी गुड। और मेरे दो बेटे हैं जी, एक कॉलेज में है और एक 11th में। ओके ओके, एक बेटे से मिलना हुआ था मेरा गोवा में। यस, तो चलिए बहुत अच्छा। और आपकी एजुकेशन कहाँ तक आपने? और सर इनसे भी मिला हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी मिलना हुआ था। जी 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 जी। तो आप मेरी एजुकेशन सर बीकॉम है, हालांकि कहने को भी बीकॉम है सर, सिर्फ नाम वाली बीकॉम है। ऐसा क्यों? वो मेरी जब मैं लाइफ की जर्नी सुनाऊंगी ना तब मैं बताऊंगी। अच्छा, अच्छा, तो कोई बात नहीं, खैर बीकॉम पॉसिबल है ना सर, हम सभी जानते हैं इंडिया में सब पॉसिबल है जी। बीकॉम करने वाले लोगों का तो अकाउंट्स बहुत पावरफुल होता है, तो अभी सर आपसे अभी कहा नाम वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो आप उसकी वो मत निकालिए अभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो बीकॉम आपने किया लेकिन आपने वेस्टीज से पहले कोई और काम भी किया था या हाउसवाइफ ही थे?
फिर मैंने एक साल बुटीक स्टार्ट किया था, एक साल मैंने किया था, वेस्टीज ज्वाइन करने से एक साल पहले की बात है, पर मैंने उसको वाइंड अप कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे नेचर को सूट नहीं कर रहा था। अच्छा। मतलब मैं अंदर से बहुत हैप्पी, एक तो बच्चों के साथ शायद मैनेज भी नहीं हो रहा था, दूसरा वहां उस प्लेटफॉर्म में झूठ बोलना, अपने सामान को निकालने के लिए जी, यहाँ कहीं ना कहीं मेरी नेचर से वो नहीं होता था, मैं बहुत फ्रीली ऐसे नहीं कर पाती। बहुत सारे लेडीज यहाँ पे भी जरूर ऐसे होंगे जो साइड में वेस्टीज के अलावा बुटीक भी चलाते होंगे, तो एक तो क्या होता है इसमें, मेरे को जो इसके डीमेरिट्स दिखते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं, वो ये है कि जैसे ही थोड़ी सी एज बढ़ती है तो लोग बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुटीक्स होते हैं और इन सब बिजनेस में एक आपकी लिमिट आती है, उससे ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं बचता, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वेस्टीज पे फोकस करिए, वेस्टीज पे काम करिए, बस फिर तो क्या है, आप जितना आप सोचोगे उतने आप रेंज के रेंज में आते चले जाओगे। ऐसे सर, बिजनेस कोई भी बुरा नहीं है, वो चाहे बुटीक था या जो था, हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं। मुझे सूट नहीं किया इसका मतलब नहीं कि किसी और को नहीं करेगा, क्योंकि कई लोगों के साथ रहता है कि एक्टिव इनकम की उनको जरूरत होती है, तो दे हैव टू डू, करना ही पड़ता है उन्हें। जी जी जी, सही बात है। तो वेस्टीज में आपने स्टार डायरेक्टर कर लिया, आपको एलओबी भी आती है, कार फंड भी आपको आता ही है, मुझे पता है। तो आप वेस्टीज से कोई कार के बारे में कब तक आपने सोचा है और कौन सी? सर मई, 3 मई। अरे वेरी गुड, 3 मई को वेन्यू कार, गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये होता है कि आप डेट के साथ सारी चीज बताए, 3 मई को रश्मिका जी की वेन्यू कार जो है आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज यही है जो आपको सपने न केवल दिखाता है बल्कि सच भी करता है, और ये तो शुरुआत है क्योंकि कार फंड तो एवरी मंथ आना है, चेक मल्टीप्लाई होना है, ये वेन्यू आएगी और 2-3 साल साथ में भी रहेगी, इसके बाद इससे बड़ी कारें भी आपका वेट कर रही है। बहुत अच्छा। और फॉरेन ट्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप कब आपका, मतलब होने का आपका चांस है, कब आप सोच रहे हो कि मैं वेस्टी से फॉरेन ट्रिप जाऊंगी? फिलहाल तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के टाइम से सारी फॉरेन ट्रिप्स बंद ही है जी, तो जब भी आएगा तो पर पहला ये ट्रिप है, हाँ ये है कि अगर मेरी टीम से 5-7 लोग और क्वालिफाई हो जाएंगे तो मैं साथ में जाना चाहूंगी, मैं अकेले नहीं जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, 3 मई को आपकी कार आ रही है, और आप थोड़ा सा और इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हम अप्रैल के 3-4 महीने के अंदर हम वहां पे आ रहे हैं नागपुर में। ओके, ओके, तो वहां पे कारें एक दो नहीं, हमें कम से कम 5 चाहिए। यस सर, 5 कारें आपके ग्रुप में से चाहिए जो कि वहां पे हम सबको जो रिकॉग्निशन कर सके। एक कार तो नेपाल से बुलानी पड़ेगी आपको। वेरी गुड, बुला लेंगे, कोई बात नहीं, वो लोग आ जाएंगे। नहीं तो उनको तो बुला ही लेंगे, उनके फोटो के साथ उनका रिकॉग्निशन कर देंगे, अगर गाड़ी नहीं भी ला पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, फॉरेन ट्रिप भी बताया, और देखिए क्या, वेस्टीज जब हम करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीज आती है कि कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा रहती है कि हमको इस जगह जाना है, उस कंट्री में जाना है, क्योंकि जैसे जैसे अगर वो वेस्टीज अनाउंस करती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे को कभी ना कभी ऐसा होगा जो हमारा ड्रीम कंट्री है, जो कि ड्रीम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो ऐसी कोई जगह है जो आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहो पूरे वर्ल्ड में? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छी शानदार जगह है, मन ही नहीं भरता, आप 7 दिन भी रुक लोगे तो भी ऐसा लगेगा बस बहुत जल्दी जो है टाइम हो गया। तो सच में, और आपकी टीम में आपके जो ऐसे कौन से पोटेंशियल लीडर्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े लीडर के रूप में बहुत आगे बिजनेस को लेकर के जाएंगे और बहुत बड़े लीडर बनेंगे? सर, एक्चुअली इस क्वेश्चंस का मैं आंसर एडजेक्ट नहीं दूंगी। अच्छा, अभी बोलने में हो सकता है कि कुछ ऐसे का नाम छूट जाए जिसका नाम लेना जरूरी था जी, तो अगर वो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बाद में ध्यान आया कि अरे मैंने उनका नाम नहीं लिया। यानी कि बहुत सारे लीडर हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से लीडर्स हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझसे गलती हो कि मैं किसी भी एक लीडर।
जी जी नहीं बिल्कुल सही है, ये बात भी आपकी सही है। वैसे तो खैर ठीक है कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम कुछ लोग के नाम बोल करके, इसके अलावा और भी कई नाम है और हम ये बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है आपके टीम जो कि बहुत ही सॉलिड और बहुत शानदार टीम निकल करके आ रही है। अभी तो समझ लिए इतने रेस्ट्रिक्शंस थे अपने, क्योंकि COVID-19 के चलते हुए, तो भी आपकी टीम आगे से आगे बढ़ती जा रही थी, तो अब धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो अब आने वाले समय में आपका क्राउन डायरेक्टर हम कब तक देख रहे हैं? दिसंबर सर। दिसंबर में, वेरी गुड। तो दिसंबर आपके लग रहा होगा कि मैंने बहुत लंबा समय लिया है, बट उसका भी रीजन है सर। सर मैं क्राउन सिर्फ नाम के लिए नहीं करना चाहती। जी 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 वो तो सही बात है। हाँ। क्राउन का मतलब देखिए क्या है, जैसे कि मयंक ने किया, जैसे सुनीता जी ने किया, मुझे वैसा वाला क्राउन ही चाहिए। यस, कम से कम 1.5 से 1.5 लाख, 1,70,000, 1,90,000 ये सब तक का पे आउट आए, तो फिर असलियत में क्राउन करने का मजा वही है और वो होगा आपका 100% होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आज बहुत टाइम हो रहा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम बाद में आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि जो है जब वेस्टेज हमारे साथ में है, तो जैसे कहा जाता है स्काई इज द ओनली लिमिट इन वेस्टेज, जो कि मैंने आपका ये टॉपिक भी अनाउंस कर ही दिया था कि आप इस टॉपिक पर ही बोलोगे, लेकिन आपका टॉपिक एक्चुअली बहुत ही शानदार था, तो आपने मेरे से बात किया कि नहीं नहीं मेरे को तो इसी टॉपिक पर बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है, पर उस समय तक शायद इसको कनेक्ट भी किया जा सकता है ना, जब हम IQ, EQ और SQ हमारा तीनों मिल जी जाएगा, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट नजर, स्काई इज द लिमिट ही आ जाएगा, राइट। वेस्टेज में स्काई इज द लिमिट ही है, क्योंकि सिर्फ आकाश ही हमारी सीमा है, बाकी और कोई सीमा नहीं है। जो आप सोचोगे वो आपका होगा। आप एक से एक बड़े लोग जिनके पे आउट्स बहुत ज्यादा बड़े आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, आप उनसे भी देखिए वो शुरुआत में उनकी जिंदगी कितनी कठिन थी और उन्होंने हार नहीं मानी, डटे रहे, बस डटे रहना है आपको, और फिर आप देखिएगा कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 लाख करने में बहुत टाइम लगता है या बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद दूसरा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या उसके ऊपर, फिर इतनी कोई मेहनत नहीं लगती, फिर टीम काम करती है। तो फ्रेंड्स, टीम को स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, वेस्टीज में आगे बढ़ते चले जाना है। आज के सेशन को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया, बीच में जो एक्सरसाइज भी दी उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और आज हमें बहुत सारी नई चीजें, 2 लाइन के साथ में ट्रायंगल बनाना है, ये सब भी हमने बहुत अच्छे से सीखा। बहुत सिंपल सी बात थी, पता नहीं हमने उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, इसलिए बना नहीं पा रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच रश्मिका जी आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट वीक में जो हमारे अभी नेक्स्ट सैटरडे को आने वाले हैं, वो निशित जरीवाला जी हैं, जो कि यहाँ पे देखिए पूरे समय में वीडियो ऑन करके आपकी सारी चीजों को सुना, और मैं हमेशा से उनकी तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि वही मेरे साथ देते हैं नॉर्मली एवरी वीक, जो 8:45 से मेरे साथ आ जाते हैं और लास्ट तक रहते हैं, तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, आपको टाइम तो देखिए थोड़ा देना ही पड़ता है, या तो आप सेशन को अटेंड मत करो, अगर अटेंड करो तो उसमें पूरा टाइम दो। तो वही चीज लेकर के आज जो है निशित जरीवाला, बहुत रिक्वेस्ट से उन्होंने अपना रखवाया था कि मेरा भी रखिए, अब उनका टाइम आ रहा है नेक्स्ट सैटरडे 13 फेब को, और उनका टॉपिक भी आज आपको कैसे लगे, लेकिन बहुत शानदार टॉपिक और न्यू टॉपिक है, पावर ऑफ सर्च इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसके बारे में वो बताएंगे, SURGE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, वही बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तक हमें उनका वेट करना है, नेक्स्ट सैटरडे को जो है 8:45 पे हमें फिर से ऑन करना है, यही जूम सेशन में, यही पासवर्ड, यही आईडी के साथ, और इससे पहले मंडे यानी कि परसों हमारा जो कि रेगुलर एक सेशन अब हमने शुरू कर दिया है, शंखनाद थर्ड का नया सेशन, नया दिन हम मंडे को मिस्टर मयंक के साथ यहाँ पे उपस्थित होंगे 8:45 के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, विश यू वेल्थ, थैंक यू, विश यू वेल्थ।